नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आप देखोगे कि रोड पर आपको जगह कम मिलेगी, यानी कि ट्रैफिक बहुत ही कंजेस्टेड होता जा रहा है, उस तरह से कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कारों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसी सीरीज में एमजी ने एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी निकाली है, इसका नाम है एमजी कॉमेट। दोस्तों इस गाड़ी की विशेषताएं बहुत सारी है, जिसमें की कुछ हाईलाइटेड फीचर है उनको मैं यहाँ पे आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो लोग स्टाइल पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ये। गाड़ी हमें चार कलर में देखने को मिलती है, व्हाइट, ब्लैक, सिल्वर और ग्रीन कलर में। दोस्तों जहाँ तक बात करें इस गाड़ी की रेंज, तो इस गाड़ी की जो रेंज है वो 230 किलोमीटर की होती है, यानी कि एक बार फुली चार्ज कराने पर आपको ये 230 किलोमीटर लेके जाएगी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार्जिंग की। दोस्तों इसको आप घर पर चार्ज कर सकते हो और विदाउट एनी प्रॉब्लम के, क्योंकि इसमें IP67 रेटेड बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 70.3 किलोवाट आवर की लिथियम आयन होती है, और इसी की वजह से ही गाड़ी जो है 230 किलोमीटर की रेंज प्रदान करने में सक्षम होती है। दोस्तों ये कॉम्पैक्ट डिजाइन है, ऑटोमेटिक है, और दोस्तों सबसे बढ़िया बात है कि इस गाड़ी की टर्निंग रेडियस 4.2 मीटर की मिलती है, यानी कि स्मॉल स्पेस में ही आप गाड़ी को टर्न कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें डबल डोर मिलते हैं, यानी कि दो डोर मिलते हैं, जो कि पहले वाले जो डोर है उन्हीं के जरिए ये आगे की बैक सीटों में जाते हैं। और जो गाड़ी है ये आपको फोर सीटर मिलती है, यानी कि दो सीट आगे होती है, दो सीट पीछे देखने को मिलती है। दोस्तों इनकी विशेषता में बात करें तो इसमें जो है क्लस्टर और इन्फ्रंटमेंट पर डिजिटल मिलता है और फ्लोटिंग टाइप का मिलता है। दोस्तों इसमें डिजिटल की जो है चाबी होती है आपकी, वो डिजिटल की मिलती है, और उसको आप दो लोगों को शेयर भी कर सकते हो, यानी कि दो लोग भी आप उस गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा लेग रूम मिलता है, यानी कि पैरों के लिए स्पेस जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। और इसमें ये गाड़ी फोर सीटर है, और गाड़ी ये जो सीट्स होती हैं वो भी स्प्लिट टाइप की होती हैं, यानी कि कम जगह में बहुत ही अच्छे फीचर देने की कोशिश की गई है। हमारे इंडिया में 74% जो भारतीय हैं वो एनवायरमेंटल को पसंद करते हैं, यानी कि एनवायरमेंट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, और 90% जो हमारे पॉपुलेशन है वो चार्जिंग घर पे करना पसंद करती है, यानी कि बाहर करना।